सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो ही बना दूं यूट्यूब से रिलेटेड, क्योंकि 2018 साल अब खत्म होने वाला है, 2019 आने वाला है और जो लोग यूट्यूब में काम करते हैं, जो लोग यूट्यूब में आना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो मतलब कुछ मोटिवेशनल बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा और आप लोग थोड़ा तो मोटिवेट होइएगा ही। सबसे पहले बात करते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ नए यूट्यूबर जो आने वाले हैं और जो पुराने यूट्यूबर हैं उनके बारे में। हालांकि मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल तो हूँ नहीं और मैं उतना अच्छा मोटिवेट करता भी नहीं, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये बात शेयर कर दे। सबसे पहले बात करते हैं नए यूट्यूबर के बारे में। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, क्योंकि आजकल लोग ना डर रहे हैं कि भाई हम यूट्यूब में आए, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी इतने सारे नए चैनल बन गए हैं तो हमारा चैनल ग्रो होगा कि नहीं होगा। अगर आपके पास एक टैलेंट है, अगर आप कुछ जाना मतलब अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, आप चाहते हैं कि हम इसे दिखाएं, तो आप डेफिनेटली आइए, अपना वीडियो शूट कीजिए, अपलोड कीजिए। अगर आपके पास कोई कुछ यूनिक टैलेंट है, डेफिनेटली आप ग्रो होंगे, इसके लिए कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोचते रहिएगा कि भाई हम आए ना आए, क्योंकि इतने चैनल ऑलरेडी बन गए हैं, तो आप बस सोचते ही रह जाइएगा, कुछ कर नहीं पाइएगा। तो आपको जो अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर कुछ है और मैं दिखाना चाहता हूँ इसे, तो डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास एक टैलेंट है, आप उसे दिखाना चाहते हैं और आप यूट्यूब में आ गए, तो आप अपना एक चैनल बनाइए। चैनल बनाने के बाद आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं, एक स्मार्टफोन से देख रहे हैं, तो उस स्मार्टफोन से अपना वीडियो शूट कीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए। अपलोड कीजिएगा, आपको व्यूज़ आएंगे एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, एक हफ्ते बाद। तभी आप लोग बोलेगा कि भाई हमारे पास कोई अच्छा खासा स्मार्टफोन है ही नहीं। तो जो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी अपने स्मार्टफोन से, ये कौन सा स्मार्टफोन है, ये भी कोई अच्छा स्मार्टफोन होगा? नहीं होगा, 7-8 हज़ार का है, नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर आपको इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो इसी वीडियो से शूट की मतलब इसी फ़ोन से शूट कीजिए जो आपके पास अभी अवेलेबल है, और उसके बाद जब आपका चैनल ग्रो होगा तब आप बाय कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, तो अगर आप कुछ ले सकते हैं तो ले लीजिए, स्मार्टफोन लेना है तो स्मार्टफोन ले लीजिए। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कैमरा मत लीजिए, देखिए अगर आपके पास बजट है, अगर आप ले सकते हैं कैमरा, तो डेफिनेटली बाय कर लीजिए, क्योंकि बाय करने में कोई ये नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वालिटी कंटेंट देंगे तो लोगों को पसंद आएगा और शायद आपका चैनल और भी फास्ट ग्रो हो सकता है, तो ये मेरा मानना है। तो अगर आपके पास बजट है, अगर आप कैमरा ले सकते हैं तो ले लीजिए, और नहीं सकते तो कोई अच्छा खासा स्मार्टफोन ले लीजिए। अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो जो स्मार्टफोन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वही स्मार्टफोन से आप वीडियो बनाइए, क्योंकि यार स्मार्टफोन होना जरूरी है, चाहे कैमरा हो या फिर स्मार्टफोन हो, कोई देखने वाला नहीं है। आपका कंटेंट देखेगा, आपकी क्वालिटी भी देखेगा, लेकिन हाँ आपका कंटेंट सबसे पहले देखने वाला आएगा। बात कर लेते हैं, चलिए सब कुछ हो गया, जियो का डेटा तो है ही, आजकल आपको कितने सारे फ्री में मिल रहे हैं, उड़ाइए जो होना है उड़ाइए आराम से, आपको 399 में आराम से 3 मंथ के लिए आपको तो छुटकारा मिल जाएगा। पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा, एक माइक ले लीजिएगा अगर आप कुछ वीडियो बनाते हैं, एक ट्राईपॉड ले लीजिएगा, थोड़ा सा इन्वेस्ट करने बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 1000-2000 इन्वेस्ट कीजिए तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसे और ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पकड़ लीजिए बजट नहीं है तो आप कुछ कहीं पर अपना फ़ोन को लगाने के लिए मतलब रखने के लिए वहाँ पर बना दीजिए, और आपके पास तो ईयरफोन होगा ही, नहीं है तो खरीद लीजिएगा, अच्छा ईयरफोन आपको 300-400 में मिल जाएगा, अगर उससे भी कम लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, नहीं तो आप फ़ोन के इंटरनल माइक से भी बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप याद रखिएगा कि नॉइज़ काफ़ी कम हो, क्योंकि इंटरनल माइक से आप बनाइएगा तो नॉइज़ ज़्यादा वहाँ कैप्चर करने लगता है। तो देखिए ये सब बात हो गई नए यूट्यूबर के बारे में, जो लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं, ये तो हो गए कुछ नए यूट्यूबर के बारे में। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि आइए यूट्यूब में, अपना टैलेंट शो कीजिए, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए कि भाई मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है तो मैं वो नहीं कर सकता। क्या है वही से आप इस्तेमाल करो, अच्छा से अच्छा बनाओ, घर तो होगा ही, सबके पास घर है, जैसा भी घर है एक बल्ब तो होगा ही घर में, अगर आप इंडोर शूट करते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा करके वहाँ पर 2 बल्ब लगा लीजिए, आपकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, आपको जो लाइटिंग है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं भी तो घर में 3-4 लाइट लगा के ही तो वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक लाइट है घर में तो एक लाइट तो रहता ही, फिर आप दूसरा लाइट लगा लीजिए ताकि और भी अच्छा आपका लाइटिंग सेटअप बन जाए। तो एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अगर करने का मन है तो ही आइए, नहीं तो भाई वैसे कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा। बात करते हैं आप कुछ पुराने यूट्यूबर और कुछ नए यूट्यूबर के बारे में। तो देखिए आजकल यूट्यूब में थोड़ा मुश्किल हो गया है ग्रो करना, क्योंकि चैनल की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, हर लोग हर रोज़ बहुत सारे चैनल बनते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड होती है। तो अगर आप 2019 में ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप डेली वीडियो पोस्ट कीजिए,
डेली का मतलब है कि आज आप एक वीडियो पोस्ट किए, कल भी आप एक वीडियो पोस्ट कीजिए। अगर आपके पास डेली वीडियो नहीं होता, अगर आपको टाइम चाहिए तो दो दिन में एक वीडियो पोस्ट कीजिए, फिर दो दिन में एक वीडियो पोस्ट कीजिए। अगर उससे भी आपको नहीं होता, तीन दिन में कीजिए, एक हफ्ता में कीजिए। पकड़ लीजिए आज संडे है, तो आज आप एक वीडियो पोस्ट कीजिएगा तो अगले संडे भी आप एक वीडियो पोस्ट कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर को पता हो कि भाई हमारे जो ये जिनको सब्सक्राइब किया है वो हर संडे को वीडियो डालता है 5 बजे 6 बजे, जितना भी बजे आप फिक्स कर सकते हैं। तो 2019 में आपको रेगुलर होना पड़ेगा, वरना आपका टिकना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कंटेंट देने वाले की कमी नहीं है और देखने वालों को भी कमी नहीं है, लेकिन जो जहाँ पर आपको डेली कंटेंट मिलेगा लोग वहीं पर जाएंगे। तो इसलिए बोलूँगा कि रेगुलर रहिए अपने YouTube चैनल के साथ, और यार ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत कीजिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लाइए, लोग आपके पास खुद आएंगे। और ये नहीं कि भाई दूसरे के चैनल जाके भाई सब करो, मैं भी आपको सब्सक्राइब करूँगा, तो ये करने से आपका कितना दिन तक चलेगा, हाईएस्ट 1 मंथ, उसके बाद आप क्या कीजिएगा। पकड़ लीजिए अब सब्सक्राइब, मेरा सब्सक्राइब, मैं तुम्हारा सब्सक्राइब होगा, वो करते करते 1000 सब्सक्राइबर तो नहीं, लेकिन 500 सब्सक्राइबर आप गेन कर लिए। क्या गारंटी है कि वो 500 सब्सक्राइबर आपके वीडियो को डेली देखेगा? कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि यार वो तो आपने बोलने के बाद सब्सक्राइब किया है, उसके बाद उसका मन हुआ तो देखेगा, नहीं हुआ तो नहीं देखेगा। मेरे चैनल का भी कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन हाँ मेरे चैनल में भी उतने ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं है, ऑनेस्टली आप लोगों को बोलता हूँ, इसमें सरवानी वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ जिससे लोगों को पसंद आए, शायद सब्सक्राइब कर ले। तो यार देखो, अगर काम करना है तो आओ, अर्निंग करना है। अब देखो सभी लोग ना यूट्यूब में आते हैं आजकल, ऑनेस्टली आप लोगों को बोलता हूँ, तो पैसा बहुत है यूट्यूब में, मतलब पैसा पैसा देख के लोग आते हैं कि भाई यूट्यूब में तो पैसा बहुत देता है, चलो हम लोग भी यूट्यूब चैनल बना के पैसा कमा लेते हैं। तो आज जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो आप लोग देखिए। आप सोचते हैं कि भाई हम आज चैनल बनाएंगे, एक मंथ के बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम भी ये सोच के अगर आइएगा ना, तो एक पेमेंट भी आप इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से निकाल नहीं सकते हैं। बस अगर आपको आना है, अपना हॉबी लेके आइए, जो आप दिखाना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि हमको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये सब सोच के आइएगा तो बस सोचते ही रह जाइएगा, कुछ करने का हिम्मत ही नहीं रहेगा। सोचिएगा कि भाई हम यूट्यूब में आएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो पैसे के जो लालच में आता है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टाइम है आपके पास, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप 6 मंथ देके देखिए यूट्यूब में, अगर आपको होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आपके अगर आपका टाइम ख़राब होगा तो आपका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। तो ज़्यादा नहीं, आप कुछ फिक्स कर लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा सिर्फ आप 2 ही घंटा यूट्यूब को दीजिए, स्कूल से आइए आराम से खेलिए कूदिए, खाना वाना खाइए, उसके बाद आइए आधा घंटा टॉपिक खोजिए, आधा घंटे के अंदर वीडियो शूट कर लीजिए, आधा घंटा एडिट कर लीजिए, आधा घंटा अपलोड में लगा दीजिए, तो सिर्फ 2 घंटा दिन में अगर आप एक भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो खुश हो जाएंगे। तो अगर देखिए जिसको करना है वो कर लेगा, उतना उसको सुन बताने की ज़रूरत नहीं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, जैसा भी हो जिसको करना होता है वो कैसे भी करके टाइम निकाल के कर लेगा। लेकिन जिसको भाई करना ही नहीं है, उसको आप कितना भी बोल लीजिए ना भाई ये कर रहे हो करो करो, वो कभी नहीं करेगा। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगा, जो लोग यूट्यूब में आना चाहते हैं आइए, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना टैलेंट शो कीजिए, और पैसे के लालच से मत आइए कि भाई हमें पैसा कमाना है तो हम यूट्यूब में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप इस लालच से आइएगा तो ना आना ही आपके लिए शायद बेहतर होगा, मेरे ख्याल से, कि पैसे कमाने के लिए आप यूट्यूब पे आइएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को जानते हैं कि 1000 घंटा आपको, सॉरी 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए और 4000 घंटा वॉच टाइम आपको चाहिए, उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में रहता है। अब रिव्यू होगा उसके बाद आपको देखेंगे वो लोग कि अगर आप लोग गलत कंटेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप लोगों का जो रिव्यू हो अप्रूव है वो डिसअप्रूव कर देगा, तो आपका ही दिक्कत होगा, क्योंकि आप 6 महीना लगा के आप अपने चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पाए, उसके बाद वो तो आपका जो अप्रूव है वो डिसअप्रूव कर देगा, तो आपका ही तो मेहनत ख़राब जाएगा ना। तो ओरिजिनल कंटेंट है उसको तो टेंशन ना लेने कोई भी बात नहीं, क्योंकि उनको तो सक्सेस मिलना ही है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, आना है तो आ सकते हैं, आपका अपना चॉइस है और आपका अपना राय है। मैंने सभी नए यूट्यूबर पुराने यूट्यूबर के बारे में बताया, अगर आप किसी से भी इंस्पायर होकर आते हैं तो आइए, लेकिन कुछ यूनिक लाइएगा तो आपका ही बेहतर होगा। आप किसी का कॉपी कीजिएगा तो समझ जाएगा कि भाई ये कॉपी करके मतलब उसका ही डिज़ाइन ये कॉपी कर रहे हैं, तो आप कुछ अपना लाइए कि आप क्या शो कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, टेक न्यूज़ दे सकते हैं। टेक का तो चैनल अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, जिस तरह से टेक्निकल दोस्त अपना हितेश भाई वो डांस करके वीडियो बनाते हैं तो लोगों को इंटरेस्ट आता है उनके वीडियो देखने में,
तो देखिए वो डांस के वीडियो, आप गाना के वीडियो बनाइए, सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपने अपने तरीके हैं, सबका अपना अपना सोच है, तो उसको लाइए, एग्जीक्यूट कीजिए और अपना फल पाइए। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल एक बोलता हूँ, पैसे देख के मत आइएगा। नए यूट्यूबर हो तो आ जाओ, अगर टैलेंट है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ये मत सोचो कि भाई लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे अगर वही सोचते रहे तो भाई आपका ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। आप अगर आप घर में रात में अगर सोते हैं बिना खाए हुए तो कोई लोग देखने वाला नहीं आएगा कि हाँ भाई ये खाना खाया या फिर नहीं आया। लेकिन आप अगर कुछ अच्छा करने जाइएगा तो लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है तू। तो लोगों का छोड़ दीजिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। भगवान दो कान दिया है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बस यही है, यही बोलूँगा आप लोगों को। ज़्यादा कुछ बोरिंग तो करूँगा नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके पास कुछ है तो आओ, लेकिन लोगों का टेंशन मत लो, जो बोलना है बोलने दो। आपका अगर जज्बा है, अगर आपको जोश है कि हाँ भाई कर सकते हैं हम, तो डेफिनेटली आप लोगों को आना चाहिए यूट्यूब में मेरे ख्याल से, और अपना कंटेंट अपना टैलेंट यहाँ पर शो करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यार ये पहला कुछ यूट्यूब के बारे में बोला हूँ, तो यार कमेंट में बता दीजिएगा कैसा बोला हूँ नहीं बोला हूँ। और YouTube से रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं टेक न्यूज़ और टेक फ़ोन के बारे में, मतलब मोबाइल के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको फ़ोन के बारे में जानना है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और YouTube के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं YouTube के बारे में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं हर संडे आप लोगों के लिए साथ एक मोटिवेशनल वीडियो ला सकता हूँ अगर आप लोग बोलेंगे तो, और नहीं तो मैं ज़्यादातर फ़ोन की वीडियो ही बनाता हूँ। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बोलता हूँ, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो यूट्यूब में आना चाहते हैं जिनके पास टैलेंट है उनको दिखाइएगा कि हाँ भाई तू भी कर सकता है तो कर, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को हेल्प करे आगे बढ़ने में। तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपना राय, और मैं क्या हर संडे एक यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।